तो रोज़ की तरह आने लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों के क्रम में दोस्तों, मानव जीवन में सशक्तिकरण जीवन का आदर्श, जीवन के आदर्श का आधार है। तो सशक्तिकरण हमारे जीवन के आदर्श का आधार है। बिना आदर्शों के आधार के अनुरूप हम किसी भी कार्य में सशक्तिकरण के भावों का संचार नहीं कर सकते। तो सशक्तिकरण का मतलब है दोस्तों, शक्तिकरण, स्व यानी पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण स्वतंत्रता के साथ शक्ति का प्रदर्शन करना, अपने मन वचन और कर्म से शक्ति, जो हमारे अंदर जो ताकत है, जो शक्ति है, उन शक्ति को बाहर निकाल करके हमें अपनी चेतना को जगाना, ये सशक्तिकरण का सही प्रयोग है। दोस्तों जैसे नारी सशक्तिकरण है, तो हम अनेक प्रकार की दुविधा में फंसी हुई हमारी नारी का जीवन, आज से कुछ सालों पहले अनेक प्रकार के दूषित भावों से ग्रसित थी। उन दूषित भावों से स्वतंत्रता की प्राप्ति और अधिकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, नारियों को सशक्तिकरण के लिए आदर्शों के भावों को उनके जीवन का आदर्श बनाते हुए सशक्तिकरण की भावनाओं को आगे ला करके देश, प्रत्येक देशों में, सभी देशों में विश्व स्तर पर नारी सशक्तिकरण की भावनाओं को जागृत करने के प्रेरणा का संचार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप आज उसमें लगातार परिवर्तन दिखाई देता है। परिवर्तन की आशाएं प्रतीत होती हैं और जमीनी स्तर पर हमें इस प्रकार के भावों, जो हमने क्रांति सशक्तिकरण के संबंध में, जो महिला क्रांति के लिए हम मानव चेतना को जगाया, महिलाओं को उत्थान के लिए जिस प्रकार के भावों का सृजन किया, तो कहीं ना कहीं हम उस कार्य में दोस्तों अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में कामयाब हुए। तो अभी भी दोस्तों हमें इस सशक्तिकरण प्रत्येक मानव जीवन के लिए, जीवन के आदर्श का सबसे बड़ा आधार शक्ति का सही प्रदर्शन करना, अपनी वास्तविकता को बाहर निकालना, अपने अंदर जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को बाहर निकाल करके उसको जनमानस तक पहुंचाना, और उस प्रतिभा, छिपी हुई प्रतिभा को बाहर करके उसमें परिवर्तन करके उसको लक्ष्यों तक पहुंचाना सशक्तिकरण का सबसे बड़ा आधार है। दोस्तों सूक्ष्म रूप में हम सोचें तो अनेक प्रकार के भावनाओं के दुर्भिक्ष में और संकीर्ण स्वार्थों की सेवा साधना में फंसी हुई जो नारियां थीं, उनके वास्तविक जो दर्शन था उसको बाहर निकालने का कार्य किया गया। तो जब सेवा और शक्ति और आदर्शों के मानकों का समाज में सही ढंग से सदुपयोग होता है, तो
उसमें अनेक प्रकार के भावों का सृजन होता है और उसमें निखार आता है, वही निखार मानव जीवन में परिवर्तन करता है। जहाँ एक और हमने दोस्तों नारी सशक्तिकरण की बात की, तो प्रत्येक मानव जीवन में अनेक प्रकार के प्राणी रहते हैं। मानव एक ऐसा प्राणी है ऐसा जिसमें जो सभी कार्यों को करने की शक्ति और सभी कार्यों को करने की क्षमता का सूचक है। तो आदर्श आधार हमको सशक्तिकरण के मार्ग को अपना करके हम अपने प्रत्येक मानव जीवन के जन जन के जीवन को अभिव्यक्ति की आज़ादी दे करके उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को बाहर लाने में सक्षम हो सकते हैं और इससे हमारे देश की उन्नति होगी, समाज की उन्नति होगी, स्वयं की उन्नति होगी, परिवार की उन्नति होगी। तो दोस्तों जब हम सेवा धर्म को अपने जीवन में अपनाने के लिए हमारे अंदर ललक उठेगी और लगन हमको होगी तो निश्चित ही किसी न किसी मन में अनेक सभी मनों में इस प्रकार के भावों का संचार होगा और हम को कुछ ना कुछ मिलने की आसक्ति हमारे अंतःकरण में पैदा होगी। तो आत्मीय प्रगति और मन की शांति एवं भव बंधनों से मुक्ति सेवा साधना जो हमें गुरुओं के द्वारा अनेक प्रबुद्ध लोगों के द्वारा प्राप्त होती है, जिनके सौजन्य से हमारी भ्रांतियाँ समाप्त होती हैं, हमारे अंतःकरण में विकृतियाँ जो महिलाओं के प्रति जिस प्रकार की विकृतियाँ लोगों के अंतःकरण में थी वह समाप्त हुई और दलदल में फंसे हुए जो लोक मानस हैं, जो नारियाँ थीं दलदल में फंसी हुई, उनको उबारने का जो प्रयत्न किया गया वही सशक्तिकरण का सबसे बड़ा मानक है। तो युग निर्माण की योजना इसी को कहते हैं दोस्तों। हम किसी भी भाव से अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं, उन परिवर्तनों को लाने के लिए हमें सशक्तिकरण की ज़रूरत होती है। वह सशक्तिकरण हमको क्रांतियों को करने के जब हम श्वेत क्रांति लाए, हरित क्रांति लाए, अनेक प्रकार की क्रांतियों को लाए, नारी सशक्तिकरण की क्रांति को हमने उसका प्रादुर्भाव करने का मन बनाया तो निश्चित ही हमें कुछ ना कुछ उपलब्धि हुई। तो दोस्तों शब्दों के हेरफेर, शब्दों का हेरफेर हो सकता है लेकिन जनमानस के एकीकरण, जन जन के लिए उन्हें सरल बनाना, मार्गदर्शी बनाना, संगठन को सशक्तिकरण करना, अनेक प्रकार के जैसे मैंने कहा क्रांति रूपी आंदोलनों को करके सही विचारधारा के अनुसार समाज के नवनिर्माण की प्रक्रिया को करना संगठन सशक्तिकरण या आदर्श आधार जो संगठन की सशक्तिकरण का होता है वह हमें स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। स्वाध्याय हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हमें अपने चिंतन में यह इन बातों को परिलक्षित करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें कैसे अपने जीवन को आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी से हम किस प्रकार से किसी प्रकार के अवलंबन से छुटकारा पा करके हम पर्यावरण को रोक सकते हैं, उसकी क्रांति ला सकते हैं, महिला जागरण कर सकते हैं, व्यसन मुक्ति कर सकते हैं, कुरूतियों को ख़त्म कर सकते हैं, संवर्धन कर सकते हैं, कुरूतियों का उन्मूलन कर सकते हैं, व्यसन मुक्ति देश को कर सकते हैं। तो जब तक दोस्तों हमारे मस्तिष्क में, हरेक मन में इस प्रकार के भावों का उदय नहीं होगा, हम अपने समाज के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो हमें किसी भी भाव से अपने अंतःकरण में सशक्तिकरण की भावनाओं को अपनाने की ज़रूरत है। सशक्तिकरण जीवन के आदर्श का सबसे बड़ा आधार है।
तो दोस्तों इस तरह से पूरे विश्व स्तर पर हम सोचते हैं, अपने देश के स्तर पर सोचते हैं, तो सारा जन प्रत्येक मानव के अंतःकरण में इस प्रकार के भावों का संचार होना चाहिए, आदर्शों के आंदोलनों के गतिविधियों के अनुसार हम अपनी शुचिता को कैसे बनाने में सक्षम हो सकते हैं और सशक्तिकरण के मार्ग को कैसे हम अपना सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे अंदर साधना आंदोलन, आंदोलन की साधना के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि आस्तिकता संवर्धन सबके लिए सुगम साधना, ताकि सबके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना की जा सके, जिससे हम सबके जीवन को सुसंगठित ढंग से आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहें। केवल निजी स्वार्थ निजी हित से हटके हमें अपने विचारों को मानव साधना करके साधना आंदोलन को के भावों का उदय करना है और उपासना की गहराई बढ़ा करके हमारी प्रार्थना हमारे कार्य हमारे कर्तव्य हमारे जीवन की साधनाएं वो की ओर जब प्रत्येक मानव साधनाओं के प्रत्येक छात्र प्रत्येक नवयुवक प्रत्येक कर्णधार जब उस कार्य की तरफ उन्मुख होगा तो निश्चित ही दोस्तों हमें उपलब्धि प्राप्त होगी और सबके लिए सुलभ उपासना साधना अनेक प्रकार की पुस्तकी ज्ञान विचारकों की प्रेरणा और संशोधित संवर्धित संस्करण और इस प्रकार के साहित्यों के भावों का और रामचरित जैसे आदर्शों का के मानकों को अपने जीवन में चरितार्थ करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति आंदोलन हमको रहना चाहिए। जब हम निरोगी होंगे, राम राज्य में सब निरोगी थे, किसी को किसी प्रकार का रोग नहीं था, सब सुंदर थे स्वस्थ थे निरोगी थे, तो इस प्रकार की कल्पना हमको अपने अंतःकरण में करनी चाहिए जन जन को कि स्वास्थ्य संवर्धन का कार्यक्रम जिसके अंतर्गत हम जन जन के स्वस्थ रहने की कामना करते हैं, ऐसे नियम बनाएं, ऐसी सर्वसुलभ योजनाएं बनाएं, व्यायाम करें योग करें अनेक प्रकार के प्रशिक्षण मेडिटेशन करें और अनेक प्रकार के जो हमारी प्रकृति द्वारा प्राप्त हमें औषधियाँ हैं उनका ज़्यादा प्रयोग करें, जो हम सीधे रूप में प्रत्यक्ष रूप में जिनका सेवन करते हैं वह हमारे जीवन को मजबूत बना सकते हैं, वह हमें किसी प्रकार की मिलावट से बचा सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हमें आजकल की कृषि के क्षेत्र में सशक्तिकरण की आवश्यकता पर बल देना चाहिए। आज हमारे देश में कृषि की क्षमता दिन पर दिन कम होती जा रही है और कृषि की तरफ ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि सही अनाज सही फलों का सही जो जिससे हमारा भरण पोषण होता है, जब तक हम उनके मानकों को सशक्त नहीं बनाएंगे तो हमें वास्तविक अन्न की प्राप्ति नहीं होगी, जिससे हमें अनेक प्रकार की रुग्णता आएगी और हमारा जीवन अस्वस्थ होगा, हम स्वास्थ्य के प्रति परेशान हो जाएंगे और प्रकृति के प्रति संवेदनाएँ रखना प्रकृति के प्रति प्यार रखना सशक्तिकरण के जीवन के आदर्शों का सबसे बड़ा मानक आज के जीवन की आवश्यकता है दोस्तों। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की से दूर रह करके अपनी भावनाओं को परिवर्तित करना और सशक्तिकरण संगठन की सशक्तिकरण के भाव से संगठन को जुड़ाना प्रकृति के दोहन को रोकना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इससे जन जन में अनेक प्रकार की शुचिता के भावों की प्रेरणा से हमें आज के परिवेश में जो
प्रकृति हमको जिस प्रकार से हमको हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए खतरनाक बन गई है, तो हम ही उसके दोषी हैं। तो प्रकृति के संवर्धन के लिए, प्रकृति के विस्तार के लिए, प्रकृति की सुखिता मजबूती के लिए हमें संगठन के रूप में संगठित सशक्तिकरण होकर के कार्य करने की आवश्यकता है। आरंभ में होने जिस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, सब को चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने और ग्रामीण अंचलों में अनेक प्रकार की योजनाओं को करने और पृथ्वी की जो धरती का दोहन है उसको समाप्त करने, तो इस प्रकार के सहयोग, एक दूसरे के सहयोग से संगठन के सशक्तिकरण के मानकों का आधार बनाना पड़ेगा, जो हमको अनेक प्रकार के अभियान से जोड़ेगी। शुचिता के भावों से हम किसी प्रकार के गलत प्रभाव के गलत प्रकार की क्रांति न करके समान भावों से अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रख के स्वास्थ्य विषयक तपोभूमि तथा प्रकाशित छोटी छोटी चीज़ों को मानक बना करके अपने जीवन के अभियान को, योग है, व्यायाम है, जड़ी बूटियों, इस प्रकार की चीज़ों का सेवन करके अपने जीवन को, जीवन के सशक्तिकरण के मार्ग को परिलक्षित कर सकते हैं। शिक्षा आंदोलन दोस्तों हमारे जीवन में सशक्तिकरण के मानकों का सबसे बड़ा योगदान शिक्षा से है। बिना शिक्षा, बिना ज्ञान के अपने जीवन को चरितार्थ नहीं कर सकते हैं, हम कोई नया कार्य नहीं कर सकते हैं, हम प्रेरणा के स्रोतों को नहीं ढूंढ सकते हैं, आज के प्रतिस्पर्धा के युग में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम किसी दूसरे देश से चुनौती नहीं ले सकते हैं। तो इन सब कार्यों को करने के लिए हमें सभी चारों तरफ से अपने देश के सशक्तिकरण के कार्यों को, मानकों को ढूंढने की आवश्यकता है। और इससे अंतर्गत विद्यालयों को, महाविद्यालयों को में विचार क्रांति, स्वच्छ भाव से, आदर्शता के मानकों से, मर्यादा के अनुरूप, राजनीति से परे हटकर बाल संस्कार शालाओं और को कामयाबी बना करना, विद्यालयों और भारतीय संस्कृति में ज्ञान परीक्षा, युग निर्माण योजना का और अनेक प्रकार के पत्राचार के माध्यम से संस्कृति ज्ञान परीक्षा युग निर्माण योजना का, ऐसे भावों से जन जन के भावों को एक होनहार बच्चे को भी अपने देश के मानकों के अनुसार शिक्षा के आंदोलन के माध्यम से देश में जागृति की भावनाओं का संचार करना चाहिए। तो दोस्तों हमारे जो पुरोधा थे, जो अनेक प्रबुद्ध लोग थे, उन्होंने जब हमारे लिए आदर्श बनाए, प्रेरणा के स्रोत बनाए, उन्हीं से हमें भी कुछ सीखने का, हम अपने नए अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो अनेक प्रकार के छोटे छोटे संस्थानों को बना करके छात्रों में नैतिकता का विकास करके, कार्य योजना को परिणित करके, शिक्षकों को इस प्रकार के भावों को, शिक्षकों के नैतिक शिक्षा के अनुरूप बना करके, कैसे देश की उन्नति की शुचिता को बनाया जाए, कैसे सशक्तिकरण के मार्ग को सुचारू रूप से संगठित किया जाए, कैसे विद्या के मानकों को यानी शिक्षा के मानकों को उदार किया जाए, इन भावनाओं से अवश्य ही मेल करना चाहिए। स्वावलंबन का आंदोलन हमारे गांव में नगरी इकाइयों को सांस्कृतिक, आर्थिक और स्वावलंबन की ओर बढ़ाना चाहिए और युवा शक्ति को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने के अनेक प्रयासों की तरफ जोर देना चाहिए। गांव में रहने को प्रेरित करना और किसी प्रकार के पलायन से रोकना, स्वावलंबी बनाना, हर वर्ग के लिए व्यावसायिक कार्योजना, जाति पात के भेदभावों से दूरी बनाए रखना, मानव जाति सबसे प्रथम है, मानव जाति ही एक है, मानवता ही एक जाति है। तो ग्रामीण तीर्थ योजना, गौ केंद्रित केंद्र बनाना, अर्थव्यवस्था को जोर देना और प्रशिक्षण चलाना, सहयोगी पुस्तकों और ग्राम उत्थान की ओर जोर देना, आर्थिक स्वावलंबन करना और अनेक प्रकार के इस प्रकार के राष्ट्र के अर्थतंत्र को मेरुदंड के समान मजबूत बनाने के कार्यों को संपादित करके अपने देश में संगठन सशक्तिकरण के द्वारा मर्यादा के अनुरूप आधार बनाकर
कार्यों को कार्यों की योजना को परिणित करने की आवश्यकता है। देश में दोस्तों बढ़ती हुई व्यसन मुक्ति और कुरूतियाँ लगातार बढ़ रही हैं। अनेक लोग जो हैं डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, गलत कार्यों को कर रहे हैं, समाज में दूषितता फैलती जा रही है। तो इसके लिए हमको अनेक प्रकार से जागृत होने की ज़रूरत है और हमें समाज को सशक्तिकरण के लिए कुरूतियाँ हैं, विवाह उन्माद हैं, दहेज है और नेक के दिखावे वाली चीज़ें हैं, प्रवृत्तियों और दुष्परिणामों को समझाकर उसके खिलाफ अनेक प्रकार के भावों को छोटे छोटे आंदोलन करके प्रत्येक मानव मात्र के अंदर व्यसन मुक्ति की और कुरूति से उन्मूलन की भावनाओं को सजोकर रखना चाहिए, इस प्रकार के भावों का संचार करना चाहिए। तो सामाजिक चेतना जगाना और विभिन्न प्रकार के व्यसनों से कुरूतियों से बचकर इस प्रकार के भावों को सृजन करना और इस प्रकार के भावों की वृत्ति को पैदा करना और तपोभूमि द्वारा छोटे छोटे भावों से विचारों से प्रेरणाओं से जो हमारे पूर्वज लोग हैं प्रेरणा के स्रोत हैं उनको अनेक प्रकार के मार्गदर्शिका के माध्यम से नशा निवारण और अनेक प्रकार के कुरूतियों के उन्मूलन के कार्यों को सशक्तिकरण के योगदान से दूर किया जा सकता है। पर्यावरण आंदोलन दोस्तों औद्योगिकरण के कारण जो पर्यावरण हमारे देश में लगातार बढ़ता जा रहा है, हमारे समाज में दुष्टता बढ़ रही है, रोग बढ़ रहे हैं और अनेक प्रकार की हानियाँ हो रही हैं, उससे जन जागृति लाकर के प्रकृति के प्रकोप से बचने की आवश्यकता है। उसके लिए हरितमा का यानी हरित क्रांति का संवर्धन करना, रीति नीति बनाना, कचरा निस्तारण की विधियां बनाना और अनेक प्रकार के पर्यावरणों के वाहिनियों बनाकर आंदोलन चलाना जाना चाहिए जो शुचिता के भावों से हो। किसी प्रकार का गलत प्रयोग करके तुलसी आरोपण से लेकर जड़ी बूटियों के पौधारोपण वृक्षों का आरोपण करना और जो हमारी धरती है धरती माता को मजबूती दिलाने के लिए उपवन के समान श्रृंखलाओं को बनाना, तो इन कार्यों में हमको अपना योगदान देकर के संगठन की सशक्तिकरण के आधार को मजबूत बनाना चाहिए। तो महिला जागरण के विषय में दोस्तों मैं पूर्व में अपने उससे बता चुका हूँ कि आंदोलन के रूप में नारी को अधिकार दिलाया जाना चाहिए, नारियों को आगे आना चाहिए, अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी की तरफ बढ़ना चाहिए, गलत कार्यों से बचना चाहिए, अपना सृजनशील स्वरूप निखारने की प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए, अपने कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए, अपनी प्रतिभा को समाज में व्याप्त करना चाहिए। तो अनेक प्रकार की छोटी छोटी भावनाओं से एक दूसरे नारियों से एक दूसरे को प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। आज जो लोग हमारे देश में खेल जगत में अनेकों जगत में आगे बढ़ रहे हैं उनकी प्रेरणाओं से अभिभूत होकर के दूसरे को भी प्रेरणा देनी चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों आंदोलनों को सक्रिय बना करके हर परिजन से कहा जाता है कि संगठन सशक्त तभी होगा जब हम समाज में अपनी प्रामाणिकता इन क्रांतिकारी आंदोलनों द्वारा सिद्ध कर सकें। तो इसी निमित्त से कार्य योजना बनाने सारे विश्व में भी ऐसा होना चाहिए, भारत का एक सुव्यवस्थित संगठित स्वरूप बनाने के लिए यानी अनेक प्रकार के भावों को सुव्यवस्थित स्वरूप संगठन करने चाहिए और जिससे अनेक प्रकार के संगठनों के माध्यम से हमारे देश के प्रत्येक स्टेट को प्रत्येक ज़िले को मार्गदर्शी बना सकते हैं और जिस ज़िले में जो चीज़ संभव है उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उसका उत्पादन करके देश को संगठित करके सशक्तिकरण के मानकों को केवल हमारा दोस्तों अगर हमारे अंदर चाहत होती है और लगन होती है हमारी चाह होती है तो कोई भी कार्य जो है असाध्य नहीं होता है, सब कार्य साध्य होते हैं। तो मेरे कहने का अपनी आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से दोस्तों मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से ही शुचिता के भावों को तो हमारे देश में
साधनों किसी भी प्रकार की कमियां नहीं है, केवल मन वचन और कर्तव्यों के निर्वहन से हमें अपने मानकों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सभी प्रकार के राजनीतिक परिवेश से हटके शुचिता के भावों का संवर्धन करते हुए नीतिगत बातों को और मर्यादा के अनुसार कार्य को करके हम राम राज्य की जैसी स्थापना कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस संगठन वृत्ति से सशक्तिकरण के सहयोग से हम अनेक प्रकार की विधाओं को स्थापित कर सकते हैं। केवल हमको मन बनाने की आवश्यकता है। प्रत्येक जिले का, प्रत्येक भाग का सक्रिय जोन के रूप में उसको, उसकी स्थापना कर सकते हैं। विशिष्ट हर वर्ष में अलग अलग कार्यों को करके हमें एक नीति निर्धारित करके देश के, जिस प्रकार हमने अनेक प्रकार के इस बार जो है हमने, यानी जिस प्रकार से हम हर बार कोई नई नई योजनाओं को लाते हैं, उसी प्रकार हमें नई नई योजनाओं के माध्यम से स्वावलंबन आंदोलन, व्यसन मुक्ति आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, नारी सशक्तिकरण, नारी जागरूकता, शिक्षा आंदोलन इत्यादि कार्यों को परिणित करके अपने देश में, अपने समाज में और विश्व स्तर पर सशक्तिकरण के संगठन के, सशक्तिकरण के आधार को मजबूत बना करके देश के मानकों के अनुसार कार्य करके प्रत्येक नागरिक को उन भावों से जोड़ने के, भावों को संचार करना चाहिए, जोड़ने के लिए कृत संकल्प करना चाहिए। और इस प्रकार का अभ्यास हमारे शिक्षालयों के माध्यम से हम अनेक प्रकार के सशक्तिकरण के कार्यों को योगदान दे सकते हैं। केवल मन में संकल्प हो, हमारी नीति निर्धारण हो, हमारे अंदर कार्य करने की लगन हो, क्षमता हो, तो निश्चित ही हम दोस्तों एक दिन सशक्तिकरण के मानकों पर आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारे अंदर इन बातों का समावेश हो जाएगा, हमारे देश के जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, जो लोग इसको कार्य रूप में परिणित करने की दिशा निर्देशित कर सकते हैं, उनको इस मार्ग, इन भावों को संचारित करके देश की शुचिता को बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। इसी से सशक्तिकरण, संगठन की सशक्तिकरण में तमाम प्रकार की राजनीति से हट करके हमें अलग से एक इस प्रकार की नीति निर्धारित करनी चाहिए, जिससे हम प्रत्येक जन जन के हित के लिए, देश की शुचिता के भावों को मार्गदर्शित करने के लिए, हमारे देश में जिस प्रकार के अनेक प्रकार के चीज़ों विद्यमान हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें विद्यमान हैं, उन चीज़ों का सही प्रयोग करके, और अन्न है, जल है, पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, अनेक प्रकार के जो हमारे देश की संपदा है, उसका सही सदुपयोग कर सकते हैं। उसी के परिणाम स्वरूप हमें धरती के दोहन से बचने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। अगर धरती का हम दोहन करते रहेंगे तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। सबके मंगल व उसकी कामना के साथ प्रेरणादायक विचारों में आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल की भविष्य के साथ कामना के साथ दोस्तों, आज मैंने अपने विचारों में, प्रेरणादायक विचारों से सशक्तिकरण, संगठन की सशक्तिकरण मानव जीवन के आदर्शों का सबसे बड़ा आधार है, इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। सभी लोग मेरे मनोबल को बढ़ाएं और इसी प्रकार ऐसे भावों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करके प्रत्येक मन में अगर ये भाव जाएंगे, निश्चित ही हमारे देश का उत्थान होगा।